भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह, खेसारी लाल यादव या फिर दिनेश लाल यादव ने रहुआ। जी हाँ, उनको भी ऐसी ही फिल्में बनानी चाहिए जिस तरह पराग पाटिल दोस्ताना लेकर आ रहे हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे फिल्म दोस्ताना के बारे में और देंगे आपको कि क्यों ये भोजपुरी की एक वन ऑफ द बेस्ट फिल्म बनने वाली है। जब इस फिल्म का पोस्टर रिलीज हुआ था तभी हमने कहा था कि ये फिल्म कुछ हटके है, कुछ अलग है, क्योंकि अमूमन आप भोजपुरी फिल्मों में ये देखेंगे कि हीरो है, हीरोइन है और प्यार मोहब्बत की जंग है और फिर लास्ट में हीरो हीरोइन को लेकर चला जाता है और विलन की खूब कुटाई करता है। लेकिन यहाँ हर एक चीज़ होने के बाद एक स्टोरी है, पकाऊ नहीं लगता या हम ये नहीं कह सकते कि आगे क्या होगा, सस्पेंस भी नहीं है। रिश्तों के धागों में पिरोया हुआ वो पन्ना है जिसे एक बार पढ़ने के दोबारा पढ़ने की इच्छा होती है। तो चलिए आगे हम आपको बताते हैं कि इस फिल्म में आप किस किस को देख पाएंगे। आप इस फिल्म में प्रदीप पांडे, चिंटू, जिनकी लाजवाब एक्टिंग है, सिक्स पैक एप्स भी बना लिया है और तो और एक्शन में जो कि कभी प्रदीप पांडे चिंटू की पहचान हुआ करती थी, अब उन्हें एक्शन में महारत हासिल हो चुकी है। आप ये कह सकते हैं कि पवन सिंह के बाद भोजपुरी में अगर कोई बेहतरीन एक्शन करता है तो प्रदीप पांडे चिंटू। लेकिन अभी रुकिए, आगे कुछ और कहना बाकी है। इस फिल्म में कई जगह प्रदीप पांडे चिंटू बहुत बेहतरीन दिखे हैं, उनके लुक पर भी बहुत अच्छा काम किया गया है, साथ ही साथ एक्टिंग में भी उनके बहुत ही ज़्यादा सुधार है और इनके साथ काजल राघवानी की जोड़ी इनको कॉम्प्लीमेंट करती है। इस फिल्म में प्रदीप पांडे चिंटू ने सारे गाने खुद ही गाए हैं। जी हाँ, जब से पांडे जी का बेटा हिट क्या हुआ है प्रदीप पांडे चिंटू की आवाज़ में, उन्हें लगता है वो भी एक बहुत अच्छे सिंगर हैं। खैर, इसमें उनका दोष नहीं है क्योंकि भोजपुरी में वही चलता है जो गायक भी हो और नायक भी हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस फिल्म के दूसरे मेन किरदार के बारे में। आप सोचेंगे हम काजल राघवानी की बात करेंगे। जी नहीं, हम काजल राघवानी की नहीं, अवधेश मिश्रा की बात करेंगे। जी हाँ, अवधेश मिश्रा भोजपुरी में एक नायाब हीरे हैं जिनके लिए भोजपुरी को शुक्रगुजार होना पड़ेगा उनका कि अच्छा हुआ जो वो बॉलीवुड की तरफ रुख नहीं किए। खैर, आगे बढ़ते हुए हम उनके बारे में ये कहेंगे कि जी हाँ, इस बार भी उनकी एक्टिंग काबिले तारीफ़ है। चिंटू के पिता का किरदार उन्होंने बखूबी निभाया है, साथ ही साथ दोस्ती का भी किरदार उन्होंने बखूबी निभाया है। वैसे भी अवधेश मिश्रा को कभी भी बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, एक्सप्रेशन ही काफ़ी होते हैं, एक्सप्रेशन की तो दुकान है अवधेश मिश्रा। और अब इस ट्रेलर में अगर किसी पर नज़र तीसरी बार उड़ती है तो वो कोई और नहीं, संजय पांडे हैं। जी हाँ, संजय पांडे को भोजपुरी इंडस्ट्री में थोड़ा कम ही आंका गया है, लेकिन आपको बता दें कि इनकी जितनी भी फिल्में मैंने देखी हैं, मुझे हमेशा अगर ये स्क्रीन पर आते हैं तो यही दिखते हैं। तो आपको बता दें कि एक डॉक्टर का रोल जो कि पेशेंट के साथ बिल्कुल बुरा है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, उसका किरदार संजय पांडे ने बखूबी निभाया है। अब बात अगर आप कहेंगे गानों की तो हम आपको बता दें कि इस फिल्म के गाने बहुत ही मधुर हैं, कोई लटका झटका नहीं है, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। और साथ ही भोजपुरी फिल्मों का ये जो ट्रेंड चला है अश्लीलता न दिखाने वाला, ये काबिले तारीफ़ है। वैसे ये सारा कुछ पराग पाटिल की फिल्मों में ही देखने को मिलता है और ऐसी फिल्मों की उम्मीद हम पराग पाटिल जैसे निर्देशकों से ही कर सकते हैं। वैसे फिल्म के प्रोड्यूसर प्रदीप सिंह ने भी पैसा खर्च करने में कोई कोताही नहीं दिखाई है, क्योंकि सीन वाइज सीन जिस तरह ट्रेलर में चलते हैं बहुत ही अच्छे लगते हैं। रही बात म्यूज़िक की, म्यूज़िक बहुत ही खूबसूरत है, सूदिंग है, कानों को भाई मिठास घोलने वाला है। तो आपको हम ये कहेंगे कि आप इस फिल्म के ट्रेलर को देखिए, क्योंकि ट्रेलर को अभी मात्र 2 घंटे में 94,000 व्यूज़ मिले हैं जो कि काफ़ी कम है। भोजपुरी इंडस्ट्री में ऐसी फिल्मों का बनना बहुत ज़रूरी है। वैसे भी आजकल बड़ी ही कम देखने को मिलती है भोजपुरी फिल्में ऐसी। अगर आप कूली नंबर वन और संघर्ष की बात करें तो अब दोस्ताना उनमें से एक ऐसी फिल्में हैं जो कि अपने इमोशंस को दर्शाती हैं, रिश्तों के इमोशंस को, जो कि आजकल की जो दिनचर्या है उसमें हम देखेंगे कि हम अपने इन इमोशन से कितने दूर चले जा रहे हैं। जबकि इन इमोशन के करीब हम रहें, इन रिश्तों के करीब हम रहें, तो शायद डिप्रेशन और भयानक जैसी कई बीमारियां नहीं हो पाए। खैर, वैसे हम ये कहेंगे कि अगर आपने ये ट्रेलर नहीं देखा है तो देखिए, क्योंकि इस ट्रेलर को अभी और कई ज़्यादा व्यूज़ मिलने चाहिए।
दो घंटे में इस ट्रेलर ने मात्र 95,000 व्यूज़ हासिल किए, जबकि इसको कम से कम 3 से 4 लाख व्यूज़ तो हासिल कर ही लेना चाहिए था। ऐसी फिल्मों का हमें दिल खोलकर स्वागत करना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि ये प्रदीप पांडे चिंटू की फिल्म है, ये देखना चाहिए कि भोजपुरी में एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म आ रही है। हमारी आपसे यही गुजारिश है, अगर आप प्रदीप पांडे चिंटू के फ़ैन हैं तो भी और नहीं हैं तो भी, इस फिल्म को आगे जाके अगर ये थिएटर में रिलीज़ होती है तो इसे देखिए, और अभी फ़िलहाल इसके ट्रेलर को भाई व्यूज़ वाइज लाइक्स वाइज बढ़ाइए, क्योंकि ज़रूरी है कि अब भोजपुरी इंडस्ट्री भाई गुटबाजी से निकल कर एक ऐसी जगह आए जहाँ पर अच्छी फिल्में देखी जाएँ। तो हम दोस्ताना के ट्रेलर को 5 में से 4 स्टार देते हैं और आप सभी से अपील करते हैं कि इस ट्रेलर को जाकर YouTube पर ज़रूर देखिए। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।